तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लेडी अमांडा को देखते हैं जो एक क्रिमिनल टीम तैयार कर रही होती है, लेकिन स्ट्रेंज बात ये कि वो उनकी बॉडी में बॉम्ब्स भी फिट करा देती है कि अगर वो भागे तो ये बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाएं। इस टीम में इंसानों के साथ साथ कुछ एनिमल्स या अलग क्रिएचर्स भी होते हैं और इस मूवी की मेन कैरेक्टर हार्ली क्विन, वो लोग एक आइलैंड पे पहुंचते हैं और एक एक करके पानी में जंप लगाने लगते हैं, लेकिन एनिमल जैसे क्रिएचर से स्विम नहीं किया जाता और वो अपने हाथ पांव हिलाने लगता है। तभी ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी यानी सवांट वहां जाता है और उसे अपने साथ स्विम करके किनारे पर लाता है, लेकिन तब तक वो बेचारा मर चुका होता है। अब अगर बात की जाए कि सुसाइड स्क्वाड लड़ने किसे वाला था, तो वो खतरनाक आर्मी ग्रुप था। ये आर्मी यहाँ भी आ जाती है तो ब्लैक गार्ड हाथ ऊपर करके चिल्लाने लगता है। आर्मी के लोग जो कि पूरी बाउंड्री बनाकर इनके चारों तरफ खड़े थे, ब्लैक गार्ड के मुंह पर फायरिंग करते हैं जिससे उसके मुंह की सारी स्किन उतर जाती है और वो वहीं मुंह के बल गिर जाता है। अमांडा इन सब पर नजर रखी होती है और इनसे कहती है जो भी हो जाए तुम लोग स्टेप बैक नहीं करोगे यानी पीछे नहीं हटोगे। हार्ली क्विन इसका फायदा उठाते हुए अपनी बड़ी सी शॉट गन से आर्मी के ग्रुप की तरफ शूट करती है जिससे उनके काफी लोग इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। अब यहाँ पर असली फाइट शुरू होती है जब सुसाइड स्क्वाड का एक मेंबर एक ब्लेड फेंकता है तो वो एक आदमी की गर्दन और एक आदमी का सर एक साथ ही काट डालता है। आर्मी भी जोश में आ जाती है, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। हार्ले अपनी जान बचाते हुए भागने लगती है और एक बड़े से पत्थर के पीछे आके छुप जाती है। उसके साथ एक और मेंबर भी आ जाता है और उनके सामने एक और मेंबर होता है जिसका नाम टीटी के होता है। वो अपने दोनों बाजू अलहदा करता है और उनको आर्मी की तरफ भेजता है जो आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं, उनके कैप्स को छेड़ने लगते हैं, उनकी गन चलाने लगते हैं, लेकिन इससे भी काम नहीं चलता और स्वांत काफी डरने लगता है। वही लंबे बालों वाला आदमी तो वहाँ से भागने का सोचता है, लेकिन इससे पहले ही अमांडा उसे ब्लास्ट कर देती है क्योंकि उसने कहा था जो भागेगा अपनी जान गवा बैठेगा। अब यहाँ स्टोरी एक टर्न लेती है और जहाँ हमें अमांडा के क्लेवर माइंड के बारे में भी पता चलता है कि उसने एक और बैकअप टीम तैयार कर रखी थी। मुझे लगता है उसे पता होगा कि उसकी पहली सुसाइड स्क्वाड टीम क्या करने वाली है। उनमें सबसे पहले वो ब्लड स्पोर्ट को शामिल करती है और उसे ही इस टीम का लीडर बना देती है। दूसरा होता है पीस मेकर जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज को हथियार बना लेता है और उसको यूज करके अटैक कर सकता है। और तीसरा किंग शार्क जिसमें इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो किसी भी चीज को कच्चा चबा सकता है, इंसान कम शार्क ही ज्यादा होता है। एक लड़की कैसो जो रैट्स को अपने कंट्रोल में कर सकती थी, यानी हर किसी के पास अपनी अलग एबिलिटी होती है। अब अमांडा सुसाइड स्क्वाड को मिशन के बारे में बताने लगती है। आइलैंड पर एक जनरल का कब्जा है और इसी तरह वो पूरे अमेरिका पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। इस पर्पस के लिए उसने वहाँ पर एक लैब भी बना रखी है और तुम लोगों को इसलिए चुना गया है ताकि उस आइलैंड पर जाकर इस लैब को ढूंढो और जनरल के साथ साथ उस लैब को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन उससे पहले तुम सबको उसके राइट हैंड यानी लैब के इंचार्ज को पकड़ना होगा। उधर हार्ले क्वीन और फ्लैग बच जाते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन हार्ले को आर्मी पकड़ लेती है और फ्लैग को आइलैंड के कुछ लोग। अब नया सुसाइड स्क्वाड आइलैंड पहुंच चुका होता है, लेकिन रात होने की वजह से वो लोग उधर ही स्टे करके रेस्ट का सोचते हैं। अचानक रात को ब्लड स्पॉट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि किंग शार्क भूखा होने की वजह से उस लड़की कैसो को ही खाने लगता है, लेकिन ब्लड स्पॉट उसे आवाज देकर रोकता है और साथ ही उस पर शूट भी करता है, लेकिन उसे सारा चोट नहीं आती। कैसो वहाँ रैट्स बुला लेती है जिसे किंग शार्क को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्लड स्पॉट को वो पर जाता है क्योंकि वो चूहों से बहुत डरा करता था। अब कैसो को डर होता है कि किंग शार्क कहीं उसे दोबारा न खा ले, तो वो उसके पास जाकर उसे प्यार से समझाती है कि देखो हम दोस्त हैं और एक मिशन अच्छे से करेंगे, तो किंग शार्क समझ जाता है, लेकिन बाकी सारी टीम उसे कभी भी अपना दोस्त नहीं मान सकती थी। अब अमांडा सुसाइड स्क्वाड से कांटेक्ट करती है और उन्हें फ्लैग को आइलैंड के लोगों से बचाने का कहती है जो कि एक ड्राइव था। वो सब उस तरफ चल पड़ते हैं। किंग शार्क वहाँ जाते ही एक आदमी को खा जाता है। पीसमेकर के सामने ड्राइव का एक बंदा आता है तो वो उसकी तरफ अपना कुल्हाड़ा फेंकता है जो सीधा उसके सर में जाकर लगता है, उसका काफी खून बहने लगता है। ब्लड स्पॉट भी पीसमेकर की तरफ एक स्वर्ड उछालता है जिससे पीसमेकर एक आदमी का गला काट देता है। ब्लड स्पॉट भी बहुत फायरिंग करने लगता है। पोलका डॉट अपनी बॉडी से शॉर्ट्स निकाल के वहाँ के हर्ट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और पीसमेकर अपनी स्वर्ड से लोगों की बॉडीज को काट के अंदर जाता है। तो इन सबको पता चलता है कि ट्राइब वालों ने फ्लैग को कैद नहीं रखा बल्कि इन्होंने तो उसकी जान बचाई थी। उस ट्राइब की लीडर आके इन सबसे बात करती है। वो बताती है कि वो भी जनरल के अगेंस्ट है। वो इन सब पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने बिना देखे मेरे लोगों को मार दिया, लेकिन फ्लैग कहता है कि जाने दें हम सबका जब एक ही मिशन है तो कैसा लड़ना। वो बहुत मुश्किल से उस ट्राइब के लीडर को मनाते हैं। अब उधर हार्ले को आर्मी पकड़ के जनरल के पास ले गई थी। वो हार्ले से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा क्योंकि लोग समझते हैं कि मेरे लिए मैरिड होना जरूरी है और फिर हम दोनों मिलकर दुनिया को भी रूल करेंगे। हार्ले लालच में मान जाती है, लेकिन जल्द ही उसको रियलाइज हो जाता है और जब एक दिन वो जनरल से मिलने जाती है तो उसके दिल में शूट कर देती है। आर्मी उसे दोबारा से कैद कर लेती है। यहाँ अच्छी बात ये होती है कि जनरल मर चुका होता है, वो मुंह के बल लेटा हुआ था और वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैथ्यू है और वो भी प्रेसिडेंट बनना चाहता था, इसलिए वो जनरल की मौत से बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ सुसाइड स्क्वाड का ग्रुप सिटी तक पहुंच चुका होता है। वो सब एक बस में होते हैं और अपनी अपनी स्टोरीज बताने लगते हैं कि हम कैसे क्रिमिनल
क्रिमिनल्स बने या अपने पास्ट की बातें। सबकी लाइफ बहुत ही दुखी थी और इसलिए वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे। अब पहुँचते हैं ये लोग क्लब में, जहाँ ये लोग डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ उनको एक आदमी दिखता है जिसके सर पर अजीब से स्पाइक्स होते हैं। आर्मी भी आ चुकी होती है, तो ब्लड स्पोर्ट खामोशी से कैजो और पोलका डॉट मैन के साथ उस स्पाइक्स वाले आदमी को क्लब से निकाल देता है और खुद पीस मेकर के साथ आर्मी के आगे आ जाता है। उधर आर्मी बस में फ्लैग को पता चलता है कि हार्ली सिंगा है, तो वो आर्मी पर गुस्सा हो जाते हैं। लोग आर्मी पर अटैक कर देते हैं, उनको किक्स मारते हैं और उनके सर बस के शीशे पर दे मारते हैं, जिससे शीशा भी टूट जाता है और बस टिल्ट हो जाती है। बस और भी व्हीकल से टकरा जाती है और एक ब्लास्ट हो जाता है। ड्राइवर भी अपनी जगह पर हिल चुका था और अब बस रोल होते हुए नीचे जा गिरती है। हैरत की बात ये कि उसमें से फ्लैग, ब्लड स्पॉट और पीस मेकर बिना किसी चोट के बाहर आ जाते हैं और अब प्लान करते हैं कि हार्ली को बचाएंगे। हार्ली जो कि अब मैथ्यू की कैद में थी, मैथ्यू ने उसके हाथ ऊपर की तरफ बांध के उसे लटकाया हुआ था। वो उसके मुंह और पेट पर पंचेस मारता है, जिससे कि मुंह से खून आने लगता है। वो उससे उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछता है और ये भी कि कौन लोग हैं हमारे पीछे। हार्ली उसे कुछ नहीं बताती, तो मैथ्यू का बंदा उसे इलेक्ट्रिकल शॉक्स देने लगता है। हार्ली की आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन वो ड्रामा कर रही थी। मैथ्यू जैसे ही बाहर जाता है, हार्ली उसके बंदे के गर्दन को अपने पांव से तोड़ देती है और उसे की लेते हुए अपने पांव की हेल्प से ही लॉक खोलती है। जब वो बाहर आती है, तो उसको बहुत से लोग रोकते हैं। पहले तो हार्ली उन दोनों को शूट कर देती है और फिर अपने दोनों हाथों से ही सब लोगों पर शूट करने लगती है। फिर एक रोड लेके जंप करती हुई वहाँ से लोगों को मारते हुए गुजरती जाती है। आखिरकार वो बिल्डिंग से बाहर आ जाती है और उन तीनों को वहाँ पर देखती है जो उसे बचाने आए थे। हार्ली फ्लैग के गले लग जाती है। अब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और उस लैब की तरफ निकलते हैं। वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। अब सब उधर अपने मिशन के मुताबिक फाइट करने लगते हैं। सब वहाँ के लोगों के गर्दनों में शूट करते हैं। इन शार्क एक आदमी के जिस्म को दो हिस्सों में अलग कर देता है और यहाँ बहुत सारे सोल्जर्स का खून बहने लगता है। पीछे से और भी सोल्जर्स आ जाते हैं और मैथ्यू को भी खबर हो जाती है। सुसाइड स्क्वाड लैब के अंदर जाके डोर्स लॉक कर चुका होता है। एज़ो अब लैब के अंदर जाती है, वहाँ बहुत से क्रिएचर्स को देखती है जो उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। वहाँ वो कुछ स्टारफिशेस को भी देखती है जो बहुत डेंजरस लग रही होती है। यहाँ वो स्पाइक्स वाला आदमी इन सबको बताता है कि ये स्टारफिश हमारे अपने मुल्क का ही एक फेल एक्सपेरिमेंट था और फिर इसे इलीगल एक्सपेरिमेंट के लिए लैब भेज दिया गया। अमेंडा भी इस चीज को जानती थी, लेकिन वो सब कवर करना चाहती थी ताकि हमारा मुल्क बदनाम न हो। फ्लैग यहाँ का डाटा चुरा लेता है, लेकिन पीस मेकर इस पर गन पॉइंट कर लेता है। इससे पहले कि उसे कुछ कह पाता, बाहर आर्मी के अटैक की वजह से बिल्डिंग गिर जाती है और स्टारफिश का भी केज टूट जाता है, जिससे वो आजाद हो जाती है और सबसे पहले उस स्पाइक्स वाले आदमी के हाथ पांव पकड़ के वो उसे खींचती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अलहदा हो जाती है। फिर पीस मेकर फ्लैग के पेट में किक मारता है कि वो उसे डाटा वापस कर दे, क्योंकि अमेंडा ने ही पीस मेकर को ऐसा करने के लिए कहा था। वो उसे उठा के किसी चीज की तरफ फेंकता है और एंड पर फ्लैग भी स्टील की चीज उठाकर पीस मेकर को मारने लगता है और उसके मुंह से बहुत खून आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि फ्लैग पीस मेकर को मारता, पीस मेकर उसकी चेस्ट में स्टैब कर देता है और इस चीज का फायदा उठाते हुए कैजो वहाँ गिरी हुई ड्राइव उठा लेती है जिसमें डाटा था। लेकिन पीस मेकर उस पर भी गन पॉइंट करके उसे डाटा वापस करने का कहता है। तो हम शार्क को देखते हैं जो बिल्डिंग में पानी बह जाने की वजह से बाहर जाके गिरता है और उसके सामने आर्मी होती है। यहाँ ब्लड स्पॉट भी बिल्डिंग से गिरने ही वाला होता है, लेकिन हार्ली उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेती है। नीचे सब आर्मी वाले किंग शार्क पर शूट करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो उठ खड़ा होता है और आर्मी वालों को कच्चा पाने लगता है। टैग काफी डैमेज होने की वजह से टूटने लगती है और गिरने ही वाली होती है कि हार्ली, ब्लड स्पॉट और पोलका डॉट मैन वहाँ से जंप लगा के रोड को एक रस्सी के ऊपर स्लाइड करते हुए बाहर आ जाते हैं और बिल्डिंग शार्क के ऊपर गिर जाती है। हार्ली और पोलका डॉट मैन किसी जगह पर आके खड़े हो जाते हैं, जबकि ब्लड स्पॉट की रस्सी टूट जाती है तो वो नीचे चला जाता है। और ये वही सीन होता है जहाँ पीस मेकर ने कैसे पर गन पॉइंट की हुई थी। ब्लड स्पॉट उसके सामने आ जाता है, पीस मेकर ब्लड स्पॉट पर शूट करता है, तो उसे ये वक्त ब्लड स्पॉट भी अपनी बुलेट शूट कर देता है, तो उसकी बुलेट पीस मेकर की बुलेट को चीरते हुए पीस मेकर तक जाती है और उसकी चेस्ट में लग जाती है और वो मारा जाता है। अब कैसे रोते हुए ब्लड स्पॉट को सब कुछ बताती है कि स्टारफिशेस कैसे तबाही मचा रही हैं। वो ब्लड स्पॉट को डेटा भी देती है। अब शार्क इनको ज्वाइन कर लेता है और एक आदमी का सर खाते हुए बड़े मजे से एंटर होता है। इतने अटैक्स के बाद भी ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन तभी वहाँ पर मैथ्यू की आर्मी भी आ जाती है। वो अपनी गन्स तैयार कर लेते हैं, सुसाइड स्क्वाड को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले ही स्टारफिश बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर आती है। बहुत ज्यादा यूज थी। आर्मी अब स्टारफिश पर शूट करने लगती है, लेकिन वो स्टारफिश अपनी कुछ बेबीज दे देती है। आर्मी पर्सन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन सुसाइड स्क्वाड को कुछ भी नहीं कहते। लेकिन जल्द ही जिन लोगों पर स्टारफिश के बेबी गिरे थे, उनकी बॉडी को कंज्यूम करते हुए मॉन्स्टर बना लेते हैं और स्टारफिश के पीछे चल कर डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी अमेंडा इनसे कहती है कि तुम लोगों ने लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो तुम लोग वापस आ सकते हो। लेकिन सुसाइड स्क्वाड अपनी सिटी को खतरे में कैसे देख सकती थी, तो वो स्टारफिश से लड़ने लगते हैं। लेकिन अमेंडा इनसे कहती है, मैं तुम लोगों को ब्लास्ट करके उड़ा दूंगी। लेकिन तभी अमेंडा के ऑफिस में ही मौजूद एक लड़की के सर पर रोड मारती है कि वो भी उसकी ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुकी थी। सुसाइड स्क्वाड स्टारफिश को खत्म करने के लिए निकल पड़ती है और सब लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। लोग उस पर फायरिंग करने लगते हैं और किंग
शार्क उस पर चढ़कर उसका मीट ही खाने लगता है। उसे बहुत बाइट्स करता है। कैसू भी स्टारफिश को मारने के लिए जाती है, लेकिन देखती है स्टारफिश तो उसे ही मारने आ रही है। तब बर्ड स्पॉट उड़ता हुआ आता है, यानी बहुत बड़ी जंप लगाता है, कैसू को अपने साथ लेके नीचे उतर जाता है। हार्ली भी बहुत ऊंची जंप लगाती है, अपनी उसी रोड से स्टारफिश की आंख में टैप कर देती है। स्टारफिश उल्टी बिल्डिंग्स के ऊपर गिरती है क्योंकि वो काफी जख्मी हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर कैसू ने ढेर सारे रैट्स बुलवाकर स्टारफिश को एक तरह से खत्म ही कर दिया था। और उसके बाद ब्लड स्पॉट अमांडा को ब्लैकमेल करता है कि सारा डेटा हमारे पास है, तुम हमें फ्री कर दो। अमांडा को ऐसा करना पड़ता है। उसके बाद वो सारे हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ से आजाद होकर चले जाते हैं। और उधर पीसमेकर को भी हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि जिंदा होता है। वो भी नहीं मरा था और डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।